हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आप एक मोशन सेंसर वाला बल्ब खरीदने की सोच रहे हैं? मोशन सेंसर बल्ब क्या होता है कि जहाँ पे भी आप उसको लगाते हैं वहाँ पे ये मोशन को डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट होती है या फिर कोई भी जाता है तो ये अपने आप ऑन हो जाता है। आपको इसके लिए कोई भी स्विच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये केवल रात में ही या फिर अंधेरे में ही काम करते हैं। जहाँ पे रोशनी होती है या फिर दिन होता है तो ये काम नहीं करते और ये बेस्ट रहते हैं कॉमन एरिया के लिए, जहाँ पे आप लाइट को बंद करना भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसको गार्डन में लगाना चाहें, अपने रूफ पे लगाना चाहें, किसी कॉमन रूम में लगाना चाहें, तो ये इन एरियाज़ में बेस्ट रहते हैं। यहाँ पे कोई भी जाएगा तो ये मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने आप ऑन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में मिलने वाले 5 बेस्ट मोशन सेंसिंग वाले बल्ब के बारे में। और अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा खरीदें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो कि कोई भी मोशन सेंसिंग बल्ब खरीदने से पहले ज़रूरी होते हैं। तो जो पहला पॉइंट होता है वो होता है वॉटेज। तो अगर आप किसी बड़े रूम में या फिर ओपन एरिया में इस बल्ब को लगाना चाहते हैं तो आप एक ज़्यादा वॉटेज का बल्ब खरीदें। जनरली इंडिया में लोग 9 वॉट के बल्ब्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसको गार्डन में या फिर अपनी छत पे लगाना चाहते हैं और एरिया जो है वो बड़ा है, तो आप 12 वॉट, 15 वॉट या 20 वॉट का बल्ब भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्विच ऑफ टाइम। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आपने बल्ब को लगाया है, जब ये मोशन को डिटेक्ट करता है और ऑन होता है तो उसके बाद ये बंद होने में कितना टाइम लगाता है। जैसे कि अगर आप किसी रूम में गए और इसने मोशन को डिटेक्ट कर लिया और आप उस रूम से बाहर आ गए, तो ये आपके बाहर आने के बाद कितनी देर बाद बंद होगा, इसको बोलते हैं स्विच ऑफ टाइम। आपको जनरली बल्ब्स में 2 स्विच ऑफ टाइम देखने को मिल जाते हैं। एक में आपको मिलता है 60 सेकंड का, एक में आपको मिलता है 120 सेकंड का। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर बल्ब ऑन है और वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती 60 सेकंड या 120 सेकंड तक, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है मोशन रेंज की, किसी भी बल्ब की रेंज कितनी है मोशन को डिटेक्ट करने की। तो जो बल्ब मैं आपको बताने वाला हूँ उन बल्ब्स के फीचर्स के साथ साथ आपको स्विच ऑफ टाइम और मोशन रेंज भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको किसी बड़े रूम में या ओपन एरिया में बल्ब को लगाना है तो आपको एक ज़्यादा मोशन रेंज वाला बल्ब लेना चाहिए। अगर आप छोटे रूम में लगाना चाहते हैं तो कम रेंज वाला भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है ब्रांड और वारंटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी मोशन सेंसिंग बल्ब खरीदें तो हमेशा एक अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड से खरीदें। उससे क्या होता है कि आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, प्लस उनके सर्विस सेंटर्स भी हर जगह अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने बल्ब खरीद लिया और फ्यूचर में वो ख़राब हो जाता है तो आप अपने आसपास उसके सर्विस सेंटर पर जाके वारंटी क्लेम करके उसको रिपेयर करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जानने ज़रूरी होते हैं कोई भी मोशन सेंसिंग बल्ब को खरीदने से पहले। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 5 बेस्ट मोशन सेंसिंग LED बल्ब्स इन इंडिया। दोस्तों, नंबर 5 पे है हेलोनिक्स का रेडार मोशन सेंसिंग LED बल्ब। इसमें आपको 10 वाट की पावर मिल जाती है और इसमें आपको मिलता है इनबिल्ट डे एंड लाइट सेंसर, यानी कि ये सेंस कर लेगा कि आपने जो बल्ब लगा रखा है उस एरिया में रोशनी है या नहीं, दिन है या रात है, क्योंकि दिन में ये काम नहीं करते, केवल अंधेरे में या फिर नाइट में ये काम करते हैं। इसमें आपको 60 सेकंड का टाइमर मिल जाता है और इसमें आपको 360 डिग्री मोशन सेंसर मिलता है, यानी कि अगर आप इस बल्ब को सेंटर में लगाएंगे तो ये चारों तरफ मोशन को डिटेक्ट कर लेगा। इसकी जो मोशन रेंज है वो है 15 फीट और इसके ऊपर आपको मिलती है 1 साल की वारंटी। अब अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 350 रुपए के आसपास। और ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आगे आने वाले बल्ब्स के बताने वाला हूँ, वो सभी वीडियो बनाते समय के प्राइस है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इनकी जो प्राइस है वो कम या ज्यादा हो गई हो या फिर इन पे कोई सेल या ऑफर चल गया हो, तो इसीलिए जितने भी बल्ब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पे है विप्रो का गार्नेट मोशन सेंसर LED बल्ब। इसमें आपको 9 वॉट की पावर मिल जाती है और इसमें आपको मिलता है 60 सेकंड का टाइमर। इसमें आपको 360 डिग्री मोशन सेंसर मिलता है और इसकी जो मोशन रेंज है वो है 5 मीटर। इस पे आपको मिलती है 1 साल की वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 400 रुपए के आसपास। दोस्तों, जो भी बल्ब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी के अंदर आपको B22 टाइप का होल्डर मिलने वाला है, जो कि इंडिया में यूज होता है। दोस्तों, नंबर 3 पे है पैनासोनिक का मोशन सेंसिंग LED बल्ब। इसमें आपको 9 वॉट की पावर मिल जाती है और इसमें आपको मिलता है 60 सेकंड का टाइमर। इसमें आपको 360 डिग्री मोशन सेंसर मिलता है और इसकी जो रेंज है वो है 3 मीटर। रेंज थोड़ी सी कम है, अगर आपको छोटे रूम में लगाना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको मिलती है 1 साल की कम्प्लीट वारंटी और इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 500 रुपए के आसपास। दोस्तों, नंबर 2 पे है ओरिएंट का मोशन सेंसर LED बल्ब। इसमें आपको 10 वॉट की पावर मिल जाती है और इसके अंदर आपको मिलता है 120 सेकंड का टाइमर।
इसमें आपको 360 डिग्री मोशन सेंसर मिलता है और इसकी जो मोशन रेंज है वो है 4.5 मीटर और इस पे आपको मिलती है एक साल की वारंटी। अब अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 400 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर एक पे है फिलिप्स का मोशन सेंसर एलईडी बल्ब, इसमें आपको 12 वॉट की पावर मिल जाती है और दोस्तों ये एक नॉर्मल बल्ब जैसी डिजाइन में नहीं आता, ये एक टी बल्ब की डिजाइन में आता है या फिर बोले तो एक मिनी ट्यूबलाइट जैसी शेप में आता है, जिसकी वजह से आपको लाइट का जो स्प्रेड है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है और आपका जो रूम है जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे वो नॉर्मल बल्ब के कंपैरिजन में ये बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा। इसमें आपको इको मोड मिलता है जो कि 2 मिनट तक अगर कोई भी मोशन नहीं होती तो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी जो लाइट है वो कम होने लग जाती है यानी कि डिम होने लग जाता है और अगर 3 मिनट तक कोई भी मोशन नहीं होता तो ये बंद हो जाता है। इसमें आपको 360 डिग्री मोशन सेंसर मिलता है और इसकी जो रेंज है वो है 6 मीटर, तो अगर आप बड़े रूम में या ओपन एरिया में लगाना चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस पर आपको मिलती है एक साल की कंप्लीट वारंटी और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 800 रुपए के आसपास। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में जितने भी LED बल्ब मैंने आपको दिखाए हैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।